प्राकृतिक तरीके से मधुमेह से कैसे निपटें? मधुमेह तेजी से एक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति बनती जा रही है जो पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित करती है। यह स्थिति व्यक्तियों के लिए इंसुलिन उत्पन्न करने में कठिनाई पैदा करती है या उनके शरीर के लिए इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना मुश्किल बना देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप होता है। जबकि इस स्थिति को विभिन्न दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है, अधिकांश लोग नहीं जानते कि इसे एक स्वस्थ आहार और सरल जीवन शैली परिवर्तनों के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। मधुमेह के लिए घरेलू उपाय रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में प्रभावी हो सकते हैं। जानने के लिए पढ़ते रहें कि यह कैसे संभव है। दालचीनी की चाय। दालचीनी शरीर में इंसुलिन को उत्तेजित करने में मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें बायोएक्टिव घटक होते हैं। हालांकि दालचीनी रक्त शर्करा को कम करने में मदद कर सकती है, इसे संयम में सेवन करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश स्टोर में मिलने वाली कासिया दालचीनी में कुमेरिन हो सकता है, जो विषाक्त हो सकता है और यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है। आधा चम्मच दालचीनी को गर्म पानी में मिलाकर या अन्य पेय में डालकर पीना मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। जामुन। जामुन या काले प्लम में एंथोसायनिन, हाइड्रोलिजिबल, एल्लाजिक एसिड और अन्य गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इस फल के पत्तों से लेकर बीज तक, यह मधुमेह वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। काले प्लम के बीज और गूदा दोनों में ग्लाइकोसाइड जम्बोलिन और एल्कलॉयड जम्बोलिन होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। आम की पत्तियाँ। आम की पत्तियाँ न केवल रक्त लिपिड प्रोफाइल में सुधार करती हैं, बल्कि रक्त में इंसुलिन को भी संतुलित कर सकती हैं। आप या तो पत्तियों को पाउडर में पीसकर दिन में दो बार आधा चम्मच खा सकते हैं, या 10 पत्तियों को रात भर एक गिलास पानी में भिगो सकते हैं। सुबह पानी को छान लें और खाने से पहले उसे पिएं। एलोवेरा। एलोवेरा कई बीमारियों के इलाज में उपयोगी है, जिसमें मधुमेह भी शामिल है। एलोवेरा में पाए जाने वाले फाइटोस्टेरॉल में एंटी हाइपरग्लाइसीमिया गुण होते हैं, जो टाइप 2 मधुमेह के लक्षणों को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं। भोजन से पहले दिन में दो बार एक चम्मच एलोवेरा जेल को आधे चम्मच पिसे हुए तेजपत्ता और हल्दी के साथ मिलाकर पिएं। भिंडी। भिंडी के बीज और छिलके मधुमेह के लिए प्रभावी घरेलू उपचार बनाते हैं। भिंडी को, जिसकी दोनों छोर काटी गई हों, एक गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह भिंडी निकाल लें और इस पानी को रोजाना खाली पेट पिएं। अलसी के बीज। अलसी के बीज अपनी उच्च फाइबर सामग्री के कारण पाचन में मदद करते हैं, जो आपके द्वारा उपभोग किए गए सही वसा और शर्करा को अवशोषित करने में मदद करता है। सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच पिसे हुए अलसी के बीज डालकर पीने से पोस्ट प्रांडियल शर्करा कम हो सकती है। आप अपने आहार में अलसी के बीज को शामिल करने के कई तरीके हैं, लेकिन कभी भी दो चम्मच से अधिक न लें। ग्रीन टी। एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनोल में उच्च ग्रीन टी के पत्ते रक्त शर्करा के रिलीज को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं और इंसुलिन का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। हर सुबह एक कप गर्म ग्रीन टी पीने से आप मधुमेह को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। नीम। नीम एक कड़वा पत्ता है जो भारतीय व्यंजनों में नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। यह पत्ता रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने, रक्त परिसंचरण को सुधारने और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। हाइपोग्लाइसीमिक दवाओं पर निर्भरता कम करने के लिए खाली पेट नीम के पत्तों का रस एक शॉट पिएं। मोरिंगा, जिसे ड्रमस्टिक पत्तियों के नाम से भी जाना जाता है, यह पौधा आपके पचाने के तरीके को धीमा कर सकता है और इसके बदले आपके रक्त शर्करा को कम कर सकता है। हर सुबह कुछ ड्रमस्टिक पत्तियों को धोकर कुचलें, रस निकालें और खाली पेट एक चौथाई कप पिएं। इसबगोल, जिसे पेलियम के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपयोग अक्सर एक प्राकृतिक रेचक के रूप में किया जाता है। पानी के साथ मिलाने पर यह एक जेल जैसी वस्तु बनाता है जो रक्त शर्करा के अवशोषण को धीमा कर देती है। यह मधुमेह के लिए एक ऐसा घरेलू उपाय है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के साथ साथ पेट को अतिरिक्त एसिड और अल्सर से भी बचा सकता है। करेला।
इस पौधे को सबसे अच्छा कड़वा तोरई के नाम से जाना जाता है, जो इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड बी में समृद्ध है। यह शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को इंसुलिन की नकल करके कम करता है। कड़वा तोरई में चरांटिन और मोमोडिसिन भी होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। अपने आहार में कम से कम सप्ताह में एक बार कड़वा तोरई को अपने भोजन में या खाली पेट रस के रूप में शामिल करें। तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ उन कोशिकाओं की मदद करती हैं, जो इंसुलिन को संग्रहित और रिलीज करती हैं। भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स और आवश्यक तेलों के साथ एक चम्मच रस पीने या दिन में दो पत्तियाँ खाने से रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखा जा सकता है। मेथी। ग्लूकोज सहनशीलता में सुधार करने, रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और ग्लूकोज पर निर्भर इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करने में मदद करने के लिए यह जड़ी बूटी मधुमेह के लक्षणों को नियंत्रित करने में बहुत सहायक हो सकती है। आप दो चम्मच मेथी के बीज दूध के साथ खा सकते हैं या बीजों को रात भर पानी में भिगो सकते हैं और सुबह खाली पेट पी सकते हैं। अमरूद का फल। अमरूद में विटामिन सी और फाइबर सामग्री रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। फल की त्वचा या छिलके को खाने से बचें और एक दिन में कितनी मात्रा में खाते हैं इसे सीमित करें, क्योंकि इससे कब्ज हो सकता है। एस्पेरेगस। एस्पेरेगस एक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य कर सकता है, जो मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इस सब्जी को स्टीम करें और कुछ जैतून के तेल और नींबू के रस के साथ टॉस करें। फाइबर। अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाना बहुत लाभकारी हो सकता है। फाइबर को पचाने में अधिक समय लगता है और इससे रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि धीमी हो जाती है। क्रोमियम। यह खनिज मांस, चिकन, क्लैम, साबुत अनाज और ब्रेवर की यीस्ट में पाया जाता है। यह मधुमेह के लिए एक घरेलू उपाय है, जो कोशिका इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने और ग्लूकोज सहनशीलता में सुधार करने में मदद कर सकता है। नियमित समय पर खाएं। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए एक स्वस्थ आहार महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको एक नियमित खाने का शेड्यूल भी बनाए रखना होगा। इससे न केवल शरीर पर तनाव कम होगा, बल्कि शरीर को रक्त शर्करा के स्तर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए तैयार किया जाएगा। मौखिक स्वास्थ्य। जब आपको मधुमेह हो तो अपने दांतों का अतिरिक्त ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। रक्त में उच्च शर्करा स्तर मौखिक बैक्टीरिया और संक्रमणों के जोखिम को बढ़ा देता है। हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक के पास जाएं और नियमित रूप से फ्लॉस और ब्रश करें। मध्यम व्यायाम। नियमित व्यायाम रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। चलना, तैरना और साइकिल चलाना आदर्श हैं, लेकिन किसी भी व्यायाम के नियम को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। यदि आपने इस वीडियो को देखने का आनंद लिया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं और अंत तक इसका आनंद लेने के लिए बने रहें। साथ ही हमारी अगली हाइलाइटेड वीडियो को देखना न भूलें। अगले समय मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।